हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। आई हेट दिस जब हमारी टीम हार जाती है उसके बाद फिर आकर के उस हारे हुए मैच का रिव्यू बनाना। आई सीरियसली हेट दिस। यार रात को साला हम लोग 3:30 बजे तक जगते हैं, उसके बाद फिर ये परफॉर्मेंस देखते हैं अगेंस्ट कार्डिफ, तो फिर दिल टूटता है यार। और सच बताऊँ तो यस, देयर वेयर प्रॉब्लम्स जो हम एड्रेस करने वाले हैं ऑफकोर्स इस मैच रिव्यू में, बट जस्ट लुक एट दी स्टैट्स मैन। टोटल अगर हम बात करें, 82% पोजीशन हम लेते हैं, 18% पोजीशन वो लेते हैं, 21 शॉट्स बार्सिलोना लेती है, 7 शॉट्स कार्डिस लेती है। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ हम 1-0 डाउन थे, वहाँ पे 81% पोजीशन जो है वो बार्सिलोना, 19% उन लोग लेते हैं, 6 शॉट्स हमने लिए और एक ही शॉट उन्होंने लिया जो गोल पड़ा। सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, व्हाट वेंट रॉन्ग, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, इट ऑल स्टार्टेड विद द लाइनअप विच कोमन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस मैच। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव लाइनअप उतारी गई थी अगेंस्ट अ टीम जो बहुत ही नैरो बैठेगी, पीछे बैठे रहेगी। इस टीम के खिलाफ आपको इतना कंजर्वेटिव लाइनअप जो है वो नहीं उतारना चाहिए था। सीरियसली आई सेड दिस इन द मैच प्रीव्यू की कार्डिस ऐसी टीम है जो पीछे बैठती है, काउंटर में हिट करती है, और एक पीछे बैठी हुई टीम को जो लो ब्लॉक बना के बैठे रहती है, वी नीड पेस टू बीट दैट, वी नीड क्रॉसेस टू बीट दैट, वी नीड दैट फियरलेसली थ्रू बॉल्स टू बीट दैट। और वो सब चीज़ें हम कर रहे थे, बट वो चीज़ और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाती इफ़ डेम्बेले वुड हैव स्टार्टेड इन दिस मैच, या फिर जो ये फॉर्मेशन रोनाल्डो कोमन ने खिलाया जहाँ पे ही ट्राइड टू अगेन इनकॉर्पोरेट ब्रेट वेथ, मैसी, ग्रीज़मैन एंड कोटिन्हो इन अ सिंगल मैच, मेरे ख्याल से फिर से 4-3-3 कर देते द सेम विच यू हैव डिड अगेंस्ट ओसासुना, जहाँ पे हम अच्छे खासे लीड से जीते थे वो मैच। अगर वही लाइनअप अगर आपको उतारना है तो मेरे ख्याल से 4-3-3 कुड बी अ बेटर ऑप्शन। एंड देन जैसे वेलवाडे करता था अगेंस्ट लो ब्लॉक, एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट अगर तुमने वेलवाडे के मैचेस देखे होंगे, व्हाट ही डिड वाज 4-3-3 को या 4-2-2 को वो चेंज कर देता था 2-3-2-3 में, और उस 2-3-2-3 को चेंज करने का बहुत ही बड़ा फायदा ये हो जाता था कि हम ओवरलोड कर पाते मिडफील्ड में, ज़्यादा प्लेयर्स हमारे होते मिडफील्ड में, साथ ही साथ जो टॉप टू के प्लेयर्स रहते हैं हमारे भाई साहब, वो उनके लिए बॉल बहुत ही आसानी से आ जाती। व्हाट आई नोटिस्ड इन दिस मैच वॉज दी ओवर क्राउडनेस ऑफ आर प्लेयर्स इन द सेम पोजिशन एट द सेम टाइम। इट वॉज वेरी नोटिसेबल कि ग्रीज़मैन, मैसी, कोटिन्हो के बीच में वो जो एक मूवमेंट होती थी वो नहीं दिख रही थी। कोटिन्हो भी एक ही जगह बैठा हुआ था, मैसी भी एक ही जगह, ग्रीज़मैन भी एक ही जगह। आई डोंट नो वॉट वेंट रॉन्ग एट दैट मोमेंट, बट एक चीज़ मेरे को ये बहुत ही खटकी, एंड एट दिस पॉइंट ये समझ में आया कि जो टैक्टिकल डेप्थ शायद वेलवाडे के पास थी वो टैक्टिकल डेप्थ कोमन के पास नहीं है एट द मोमेंट। एक ग्लो ब्लॉक को बीट करने के लिए देयर आर सिंपल थिंग्स इन ट्रेडिशनल फुटबॉल विच मैनेजर्स डू। वो थ्रू बॉल होता है, वो लॉन्ग शॉट्स होते हैं, वो क्रॉसेस होता है, वो लॉब पासेस होती हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, एंड वी वर डूइंग दैट, बट एक क्लास जो होती है ना पिच में वो चीज़ देखने को नहीं मिली। कार्डिस एक तरफ जब अटैक कर रही थी तो 4-4-2 खेल रही थी, जब वो डिफेंड कर रहे थे दे वर यूजिंग अ 4-5-1। जो भी कोमेन ने सोचा होगा कि चलो ठीक है, अगर वो डिफेंड करेंगे 4-5-3 4-4-5-1 में और लो ब्लॉक बैठाएंगे तो हम लोग लॉन्ग बॉल्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एवरीथिंग वी वर डूइंग। ग्रीज़मैन को लॉन्ग बॉल्स आ रहे थे, ग्रीज़मैन रन बना रहा था, डेस्ट जो है वो विथ ले रहा था और क्रॉसेस डाल रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन, और क्या पता वो काम करके हम गोल मार लेते, बट एवरीथिंग वेंट डाउन जब हम एक गोल खा गए, एंड उस गोल में पीपल आर चढ़िंग ओवर मैंगवेजा कि भैया तुम्हारी गलती। सबसे पहले व्हाट आई सॉ वाज कि मैंगवेजा को गिराया गया, जब वो बेचारा उठ रहा है जब देख रहा है कि साली बॉल आ रही है, अब वो जान रहा था कि पीछे डिफेंडर खड़ा हुआ है, अब अगर इस बॉल को मैं क्लियर नहीं करता हूं तो पीछे डिफेंडर जो है अटैकर जो है वो गोल मार देगा, सीधी सी बात है। तो व्हाट हियर मिंगवेजा डज इज वो जाता है और कोशिश करता है हेड करके बॉल को उछालने की, मतलब ऊंची चली जाए, आगे चली जाए, ऐसा कुछ वो चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो हेड करने की कोशिश करता है वो बहुत ही गंदे तरीके से मिसप्लेस होती है उससे। वो ट्राई कर रहा था इस पार्ट ऑफ द हेड को हेड करने के लिए, बट वो होती है इस पार्ट को, वो डायरेक्ट गोल पे जाते रहती है। टच चिकन कोशिश करता है बचाने का, बट देन कार्डिस का अटैकर बहुत ही अच्छी पोजिशन में खड़ा हुआ था,
शॉट दैट गोल हो जाता है। और इतनी अर्ली गोल पड़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, 9 मिनट में गोल पड़ा भी है तो क्या हुआ, वी आर बार्सिलोना, वी कैन कम बैक। बट देन देयर होल टीम वॉज सिटिंग इन द डिफेंस, इतना मतलब इतना गंदा लो ब्लॉक बना के चल रही थी कार्डिस, इतना गंदा लो ब्लॉक बना के चल रही थी कार्डिस कि एनीथिंग वॉज नॉट वर्किंग। वो जब ही मैंने तुमको बताया कि लो ब्लॉक कैसे तोड़ते हैं, सब हम कर रहे थे, नथिंग वॉज वर्किंग। एंड एट दीज टाइप ऑफ मोमेंट्स जहाँ पर कुछ वर्क नहीं करता है, काम आता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। और अब हमको ज़रूरत था डियोंग की, कटिनियो की, टू शो अप देयर क्लास। डियोंग से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो ओपोजिशन का मिडफील्ड है वो ब्रेक करे, वो पासिस डाले, की पासिस बनाए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर तुम स्टैट्स देखोगे, डियोंग के 0 की पासिस हैं पूरे मैच में, 0 की पासिस डियोंग के। 2 साल पहले वो बंदा वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर था, और आज पता नहीं क्या हो गया उसको। जब इतने बड़े गेम्स आते हैं, जब हम को ऐसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का काम जरूरत होता है, जब डियोंग डजंट शोज अप। कटिनियो की जहाँ तक मैं बात करूँ, अगेन एंड अगेन अगर हम बार बार पोजीशन वाली खेल बताएंगे कि इट इज़ ऑल बिकॉज कि कटिनियो को लेफ्ट विंग में खिलाया जा रहा था, इट डज़ नॉट सिंपली वर्क्स फॉर हिम एंड वी ऑल नो दैट। बट आई डोंट नो व्हाई डज गोमेन स्टार्ट्स हिम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट वॉज नॉट वर्किंग। अगर मैं बात कर लूँ मेसी बुस्केट्स की, दे वेर कनेक्टिंग बट देयर वॉज नो वन विद डियोंग टू कनेक्ट, देयर वॉज नो वन विद कटिनियो टू कनेक्ट, एंड इट वॉज अ वेरी बैड परफॉर्मेंस बाय दीज टू प्लेयर्स, जहाँ पे इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी हमको मिडफील्ड में, जहाँ पे वो मिडफील्ड में प्लेयर उनके मतलब दीवार की जगह तरह खड़े हुए थे, उस मिडफील्ड को तोड़ने के लिए हमारे मिडफील्ड के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी, यहाँ पर वो हमको नहीं दिया यहाँ पर हमारे प्लेयर्स ने। अब कोमेन क्या करेगा इसमें मेरे को बताओ ना। हम चढ़ रहे हैं कोमेन के ऊपर कि कोमेन की गलती, व्हाट विल कोमेन डू जब डियोंग जैसे प्लेयर से एक भी की पासेस मैच में नहीं निकल रहे हैं। कटिनियो इज़ नॉट कटिनियो एनी मोर, जो कटिनियो हमको शायद इंजरी से पहले दिख रहा था, ही इज़ नॉट दैट एनी मोर। क्या कर सकता है इसमें कोमेन? He did what he needed to do. Half time में कटिनियो आ जाता है, बट मेरे ख्याल से यहाँ डियोंग को भी उतारना चाहिए था सब्स्टिट्यूट में। यार डियोंग जाता है सेंट्रल बैक में, मिंगवेजा को हटा देता है, अ वेरी वेरी बैड डिसीजन अगेन बाय कोमेन। आई डोंट नो वाई डिड मिंगवेजा वॉज सब्ड ऑफ, पता नहीं क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंगल मिस्टेक, या फिर हमको अटैक चाहिए था तो पेदरी को इनकॉर्पोरेट करना चाहता था। बुस्केट हैड अ वेरी गुड गेम टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं खुद बुस्केट के ऊपर चढ़े रहता हूँ कि भाई बेकार खेलता है। बट तुम अगर स्टैट्स देखोगे, अगर तुम गेम देखोगे, मैंने 6 बार हाईलाइट देखा है अलग अलग टू यू नो अगेन एंड अगेन फिगर आउट कि क्या गलती हुई है। बट बुस्केट्स वॉज गुड, तुम स्टैट्स देख लो बुस्केट के, ही वॉज गुड। तो यहाँ पे गलती मेरे ख्याल से पूरी डियोंग और कटिनियो की आती है मिडफील्ड तोड़ने के लिए। नहीं टूट पाया, क्या करूं। कटिनियो एंड डियोंग के चलते पूरे पासेस स्लो हो रहे थे, अगेन एंड अगेन बैक पासिंग चल रही थी। बुस्केट्स वॉज सरप्राइजिंगली प्लेइंग गुड, ही वॉज पासिंग वेरी की पासिस टू लियोनल मेसी ड्रिबल कर रहा था। बट मेरे ख्याल से, मैं फिर से कहता हूँ, कटिनियो एंड डियोंग बोथ नीडेड टू बी सर्व्ड ऑफ, बट वो होता नहीं है। पेदरी आता है, डेम्बेले आता है, ठीक है कोई बात नहीं, और वो जैसे ही आते हैं उन लोग आग लगाते हैं मैच में, और वो दिखाते हैं कटिनियो की भाई साहब तेरी क्या गलती। और अगर मैं यहाँ कटिनियो रहता ना, तो मैं जा करके शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछता कि साला मैं वही प्लेयर हूँ जो लिवरपूल से 140 मिलियन के लिए बार्सिलोना में आया था, और मेरे को एक 18 साल का लौंडा जिसको पता नहीं कौन सी टीम से उठा के लेके आए हैं लेगानेस वेगानेस, वो मेरे को आउट परफॉर्म कर रहा है। कटिनियो नीड्स टू क्वेश्चन हिमसेल्फ, यू नो, कि 18 साल का प्लेयर वो उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। पेदरी वॉज एक्सीलेंट, ही वॉज ब्रेकिंग दैट मिडफील्ड इन टू पीसेस, उसके पासेस अच्छे चल रहे थे, ही हैड 2 शॉट्स सरप्राइजिंगली जो कटिनियो नहीं कर पाया। कटिनियो को हम जानते हैं लॉन्ग शॉट्स लेता है, गोल मारता है, और लो ब्लॉक को बीट करने के लिए लॉन्ग शॉट्स लेने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सेट पीसेस बनाना बहुत ज़रूरी है। बट कटिनियो डिड नथिंग ऑफ इट, बट पेदरी केम ऑन एंड ही हैड 2 शॉट्स ऑन टारगेट। टारगेट नहीं था, ब्लॉक्ड थे, बट एटलीस्ट 2 शॉट तो थे ना, बट ये चीज़ कटिनियो नहीं कर पाया। तो कटिनियो के जाने के बाद आया पेदरी, अच्छा खेल रहा था, पेदरी वॉज गुड। डेम्बेले थोड़ा सा उतना नहीं दिखा ऑन द विंग, बट ही वॉज शोइंग हियर एंड देयर, ठीक ठाक चल रहा था, स्पीड आई थी मैच में, बट स्टिल नहीं मज़ा आ रहा था। The only goal which came for Barcelona was
बाय अ यू नो ब्यूटीफुल अगेन कनेक्शन विद बुस्केट्स एंड मेसी। मेसी थ्रू बॉल देता है एल्बा को एंड एल्बा शॉट लेता है, क्रॉस डालने की कोशिश करता है, नहीं पता, बट वो डिफ्लेक्ट होकर के गोल पड़ती है। एंड आई सेड इट वेरी क्लियरली इन द प्री मैच कि भैया देखना थ्रू बॉल से ही गोल पड़ेगी, और थ्रू बॉल से ही गोल पड़ी। कार्डिस के सब्सटीट्यूशंस मेड डिफरेंस, कार्डिस के सब्सटीट्यूशन मैं फिर से कहूँगा मेड डिफरेंस। उन लोग आ करके जब काउंटर मार रहे थे, नए उसके प्लेयर्स आए थे, उनके पास स्पीड थी, उनके पास ताकत था, सब अच्छा था, और वो लॉन्गले को जो है वो बार बार कॉट कर रहे थे, और भाई साहब लॉन्गले को येल्लो कार्ड दिलवा के उसके ऊपर प्रेशर कर दिए। एंड देन कम्स अ वेरी 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 बिग मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक। अब ये किसकी गलती है नहीं पता, एल्बा की गलती है, ठीक है, बहुत गंदा थ्रू बॉल भाई, इतना गंदा थ्रू इन तो मैं नहीं देता हूँ। जब हम लोग जाते हैं ना मैच खेलने अपने दोस्तों के साथ, तो मैं रहता हूँ, मैं बोला मेरे को थ्रू इन करने दो, बिकॉज आई थिंक कि मैं अच्छे थ्रू इन डाल सकता हूँ, एंड मैं जॉर्डी एल्बा से वो थ्रू इन तो अच्छा डाल ही देता। ही गिव्स अ वेरी बैड थ्रो इन टू लॉन्गले, लॉन्गले संभाल ही नहीं पाता है बॉल को, आई डोंट थिंक सो हाउ ही कॉल्स हिमसेल्फ अ प्रोफेशनल, इतनी बड़ी गलती, अरे कुछ नहीं तो तू कॉर्नर ले लेता ना भाई, नया तो हड़बड़ा गया, लेकिन भाई साहब दाद देनी पड़ेगी कार्डिस के अटैकर की, वो पूरा बनाता है, उससे ले लेता है बॉल। एंड देन कम्स अगेन टर स्टेगन, टर स्टेगन आता है, ही इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज इन हिमसेल्फ कि वहाँ पर करना क्या है उसको, बॉल पकड़ना है, मारना है, क्लियर करना है कि इससे ड्रिबल करके आगे निकाल देना है, अगेन अ मिस्टेक फ्रॉम टर स्टेगन। पर यही इंडिविजुअल मिस्टेक्स जो हैं वो हमको हॉन्ट कर रही है। अगेन एंड अगेन एलवेस के खिलाफ जेरार्ड पीके मेड अन वेरी बिग मिस्टेक, एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ लॉन्गले मेड अ वेरी बिग मिस्टेक, एंड दिस टाइम अगेन कार्डिस के अगेंस्ट ऑल्सो अ वेरी बिग मिस्टेक। जहाँ पे एक गोल पड़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब बार्सिलोना मोमेंटम बनाएगी, अब हम गोल मारेंगे, अगेन दैट इंडिविजुअल मिस्टेक केम एंड हॉन्टेड अस। अब क्या करे कोमेन इसमें, क्या करे तुम मेरे को बताओ ना, इसमें कोमेन क्या करेगा। He did what he needed to do भैया, he absolutely did भाई, उसने substitutions बनाए जो ज़रूरी थे, उसका गेम प्लान ठीक चल रहा था सेकेंड हाफ में, जिसकी कमी थी कि स्लो बॉल मूवमेंट हो रहा है वो उसको भी सुधारा, पेदरी आया, डेम्बेले आया, फास्ट बॉल मूवमेंट हो रही है, गोल भी पड़ा ठीक है, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की गलती, और सब क्वेश्चन आ जाता है कोमेन के ऊपर, क्या करेगा इसमें कोमेन, कुछ नहीं कर सकता ना। To be really honest, Dest was good. He did very well. बार बार मैं कहता हूँ मेरे को डैनी एल्वेस की याद दिलाता है। His dribblings are great. Crosses डाल रहा था, but unfortunately कोई cross, you know, perfect land नहीं हो रही थी। ठीक है। प्लेयर रेटिंग से पहुँचते हैं। प्लेयर रेटिंग अगर मैं तुम्हारे सामने रखूँ, ये है प्लेयर रेटिंग। सबसे पहले मार्टिन ब्रेटवेट को 6 मिलता है। उतना अच्छा गेम नहीं था मार्टिन ब्रेटवेट की तरफ से। मेरे को ये लग रहा था कि भाई मार्टिन ब्रेटवेट उस पोजीशंस में नहीं खड़ा हुआ था जहां उसको खड़ा होना चाहिए था, बट ग्रीजमैन वॉज देयर, एटलीस्ट ग्रीजमैन को शॉट्स लेने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट द गेम फॉर मार्टिन ब्रेटवेट। होता है यार कभी कभी। फिलिपे कटिनो को मिलता है 6 मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ पोजिशन खेल रहा था अगेन, इसीलिए 6 दे दूंगा। ग्रीजमैन को भी 6 मिलेगा, अगेन मैं बताऊंगा आगे क्यों 6 मैं दिया हूँ इसको। मैसी को मिलता है 8। अब तुम लोग कहोगे कि मैसी ने एक गोल मारा, ने एक असिस्ट डाला, तो काहे का 8, बट हिज स्टैट्स प्रूव्स अगेन भैया 10 शॉट लेता है मोस्ट ऑफ द मैच, 5 ऑन टारगेट मोस्ट ऑफ द मैच, 9 ड्रिबल्स मोस्ट ऑफ द मैच, 3 बार फाउल होता है मोस्ट ऑफ द मैच, और 81 पासिस जो है वो करेक्ट वो निकालता है। क्या कहोगे। डियोंग को मिलता है 5.5, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम डियोंग, 2 बार बंदा डिस्पोजेस होता है मोस्ट ऑफ द मैच है। बुस्केट्स को मिलता है स्ट्रॉन्ग सेवन इसलिए क्योंकि 121 टाइम्स बंदा पासेस बनाया है मोस्ट ऑफ द मैच, जिसमें से 106 एक्यूरेट पासेस निकल रहे हैं वो भी मोस्ट ऑफ द मैच है, और 6 एरियल्स निकालता है वो भी मोस्ट ऑफ द मैच है। बात कर लिया जाए जॉर्डी एल्बा का, 6 मिलता है, ही वॉज यू नो प्रिडिक्टेबल। अब सब जानते हैं एल्बा कैसा खेलता है, बट स्टिल ही वॉज कनेक्टिंग विथ मैसी और ही वॉज प्लेइंग ऑन दी यू नो अटैकिंग थर्ड, एक गोल ले दे के पड़ा, अब जिसको तुम कुछ भी कह लो, इसलिए 6। लॉन्गले को 5 मिलता है, एक बड़ा एरर जिसके चलते गोल कंसेड होता है, और फिर 3 फाउल ये बंदा करता है और एक येल्लो कार्ड भी लेता है, तो इसलिए यू नो 5 ही मिलेगा। मिंगवेजा को 6 दिया जाएगा क्योंकि मेरे ख्याल से 45th मिनट तक ही बंदा खेला, जिसमें उसने 44 पासेस करेक्ट करता है, 95
5% उसकी पासिंग एक्यूरेसी है, और फिर से ही लेकिन ये भी बंदा एक एरर कर देता है, इसलिए 6। सर्जिनियो डेस्ट को मिलता है 6.5। ही वॉज गुड, ड्रिबल कर रहा था, सब सही चल रहा था, क्रॉसेस डाल रहा था, ही वॉज गुड। टस्ट चेगन को 6 मिलता है, 2 शॉट बंदा सेव करता है और 15 में से 14 जो पासिस हैं वो निकालता है। अब बुस्केट्स को यहाँ पे 7 इसलिए भी दिया हूँ मैं क्योंकि क्या बोलते हैं, देखो बुस्केट्स एक सच बात बताऊँ तो कहीं ना कहीं बुस्केट्स की जान बच गई इसमें, क्योंकि बुस्केट्स जो था ना उसकी कहीं भी गलती नहीं थी जो दोनों गोल पड़े उसमें। अगर उसकी गोल पड़ने में गलती होती तो शायद कम मिल जाता। बुस्केट्स को उतना वापस पीछे आना नहीं पड़ा क्योंकि ऐसा सच कोई बड़े काउंटर्स हो नहीं रहे थे, और जो भी बड़े काउंटर्स हो रहे थे वहाँ पे सर्जिनियो डेस्ट वॉज कवरिंग अब बुस्केट्स, तो यहाँ पे बुस्केट्स को वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज के मैच में जितने भी गोल पड़े उसमें बुस्केट्स को कोई हाथ नहीं है। बात कर ले जाए हमारे सब्स्टिट्यूशंस की, डेम्बेले को 6, पियानिच को भी 6। पियानिच जो है वो 33 में से 32 पासेस करेक्ट करता है, 96% पासिंग एक्यूरेसी रहती है। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, पियानिच जो है वो 78th मिनट में आया था। पेदरी को भी 6.5 दिया जाएगा क्योंकि पेदरी भी अच्छा खेल रहा था। अब मैं एक बात कहने वाला हूँ जो मेरे ख्याल से बहुत सारे भाई लोग को सही नहीं लगेगा, मैं जान रहा हूँ अक्सर होता है ऐसा कि जो मैसी फैंस रहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, बट मैं खुद मैसी फैन हूँ यार। ये देखो ना, ये देख रहे हो, ऐसे एक ही नहीं है मेरे पास, 2-4 हैं। मैं चूतिया नहीं हूँ, ये ऐसी फोकट ने मैंने फ्रेम करवा के नहीं रखा है। लेकिन बस बात इतनी है ना यार कि क्या है ना कि सचिन भी 0 में आउट होता था, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सचिन को क्या बोलते हैं उस मैच में भी बोलेंगे कि सचिन इज़ वेरी गुड। सचिन भगवान है क्रिकेट का, लेकिन 0 में तो आउट होता था ना। द सेम इज़ वॉट हैपनिंग विथ मैसी, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैसी जो है यार वो मेरे ख्याल से अपने 18 अवे गेम्स में लालीगा के केवल 2 में स्कोर किया है। वरिंग स्टैट, मैसी नीड्स टू फाइंड यू नो हिज कंपोजर बैक अगेन इन द फ्रंट ऑफ गोल, सबसे पहली बात। सेकेंड ऑफ द थिंग, लेकिन उसमें तुम ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि अब बंदा ज़्यादा डीप खेलने लगा है, जैसे पहले वो खेलता नहीं था। बट स्टिल यार कुछ तो प्रॉब्लम है ना, मेरे को क्या लग रही क्या प्रॉब्लम है थोड़ी सी मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर हम रिवाइंड करते हैं ओसासुना वाले मैच में जहाँ पर 4-3-3 खेला जा रहा था, मैसी वॉज प्लेइंग ऑन अ राइट हैंड साइड वाला पोजिशन, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे गोल्स हमको देखने को मिलेंगे। टीम वॉज प्लेइंग रियली ग्रेट, बॉल मूवमेंट बहुत प्यारी हो रही थी, ग्रीजमैन को रोल दिया गया था सेंट्रली यू नो प्ले मेक करने वाला, एंड ही वॉज डूइंग इट वेरी परफेक्टली, बहुत अच्छा गेम चल रहा था। बट इस मैच में अगेन मैसी वॉज प्लेइंग एज अ यू नो 4-4-3-2-1 वाले में द थर्ड ऑन द राइट हैंड साइड, और यहाँ पर ना मैंने पूरे मैच में ये चीज़ नोटिस करी कि मैसी वॉज कमिंग इन द सेंटर ऑफ द पिच। अब जब मैसी सेंटर में आ जाता है ना, तो यहाँ पर ग्रीजमैन और कटीनियो दोनों आउट ऑफ द पोजीशन हो जाते हैं। अक्सर ये चीज़ होती है कि जो यू नो बेटर प्लेयर है, अब ये मैं तो अपने गली फुटबॉल में जो मैं खेलता हूँ वहाँ भी मैं ये नोटिस करता हूँ कि यार कोई एक अच्छा प्लेयर रहता है ना, तो उसको बोलते हैं कि तू भाई बीच में आता है, तू प्ले मेक कर ले, हम लोग अपना संभाल लेंगे, इधर उधर कचरा जो होगा हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन तू इम्पॉर्टेंट है, तू प्ले मेक करना। ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट स्टिल मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा फ्री रोल देना क्या सही है यार। हु एम आई टू से दिस, बट पता नहीं यार, सही भी नहीं लग रहा है बोलने में, गलत भी नहीं लग रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं ये फील कर रहा हूँ कि जब मैसी सेंट्रल आ जाता है ना, तो जो हमारे 2 प्लेयर्स हैं कटीनियो एंड ग्रीजमैन, उन दोनों की जो औकात रहती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मैं ये फील करता हूँ। अब इसमें मैसी की भी गलती नहीं है, मैं यहाँ मैसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, यहाँ मैं मैसी को कुछ वो नहीं कह रहा हूँ, बट ही इज़ माई बेस्ट प्लेयर और इस मैच में भी बेस्ट प्लेयर था, बट कहीं ना कहीं मेरे को ये प्रॉब्लम एक जो है वो नज़र आती है। विदाउट मैसी अगर हम देखें तो आर टीम प्लेड रियली वेल, और जब मैसी ऑन द राइट हैंड साइड 4-2-3-1 में खेलता है, तो मेरे को ये चीज़ फील होती है कि मैसी जब बीच में आ जाता है ना, तो थोड़े से प्रॉब्लम जो है वो कनेक्शन, पर्टिकुलरली जो ग्रीजमैन कटीनियो और मैसी के बीच में बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पाता है, आई डोंट नो व्हाई। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से ध्यान में रखना चाहिए। बट एक और चीज़, मैंने जितने भी मैच रेटिंग्स देखे हैं वहाँ पे जो गोल कीपर था लडिज्मा कार्डिस का, उसको 8.5 समथिंग दिया जा रहा था, और बंदे ने 8 सेव्स करे इस मैच में, 8 सेव्स। 8 सेव किसको बोलते हैं भाई, प्राइम न्यूयॉर्क बन जाते हैं जब हमारे खिलाफ साले छोटे छोटे गोलकीपर खेलते हैं मैच, पता नहीं भाई।
एनीवेज अगला मैच है जुवेंटस के खिलाफ, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है एंड आई होप सो कि इस मैच को हारने के बाद बार्सिलोना के जो भी इतने बड़े बड़े नामचीन प्लेयर्स हैं जाके अपने आप को आईने में देख करके अपना मुंह ज़रूर धोएंगे और देखेंगे कि क्या गलती हुई है एंड हमको ह्यूमिलेशन से बचाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो में शशि के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, पीस, विश एल बार्सा, जय हिंद। डोंट लूज होप मेरे दोस्तों, होप नहीं खोना है, ठीक है, वी विल बाउंस बैक, वी विल बाउंस बैक। यही टीम थी जिसको हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, अभी पिछले 3-4 मैचेस से बहुत खुश हो रहे थे, अब इसी सेम टीम को अपन गाली देंगे तो वो चीज़ सही नहीं है ना। गलती होती है, हमारे प्लेयर्स से गलती हुई, डियोंग से गलती हुई, कटिनियो से गलती हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमको होप को लूज़ करना है। विश्वास रखो दोस्तों, बाय।